I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on Let's try out. So, आज का ये जो व्लॉग है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ न्यूयॉर्क. यूएस में आने के बाद आज इतने दिनों बाद मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ घूमने. सो आई एम सो एक्साइटेड. एंड जहाँ मैं आज घूमने जाने वाली हूँ वो न्यूयॉर्क का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है. सो आई विल बी विजिटिंग ब्रुकलिन ब्रिज टुडे. सो आपने बहुत सारी हॉलीवुड एंड बॉलीवुड मूवीज में ब्रुकलिन ब्रिज को डेफिनेटली देखा होगा. एंड ब्रुकलिन ब्रिज जो है वो वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट स्पॉट है न्यूयॉर्क का. तो आज मैं वही जाने वाली हूँ एंड आई एम सो एक्साइटेड. सो और चपर चपर ना करके चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं. हे गाइस, हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं एंड अभी बाहर खड़े यहाँ पे उबर का इंतजार कर रहे हैं. तो जैसे ही उबर आता है विल गो. सो मेरी कैब जो है वो आ गई है एंड हियर वी गो. So I'll be there. Never leaving you in the darkness. Even when you're out of focus, I will be the light in your life. You'll see it clear. So अभी कुछ ही देर में हम लोग न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे. वो देखो गाइस, ब्रुकलिन ब्रिज, इसी पे हम लोग जाने वाले हैं. एंड हम लोग पहुंच चुके हैं. अब बस हमें ये रोड जो है इसको क्रॉस करके उस साइड जाना है वहां पे. एंड गाइस, नाउ वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द ब्रुकलिन ब्रिज. What's left? The storms we chase are leading us. So अभी हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं, that is Brooklyn Bridge. Yes, the famous Brooklyn Bridge. कम से कम 3-4-5 हॉलीवुड मूवीज एंड काफी सारे बॉलीवुड मूवीज में आपने इसको देखा ही होगा. एंड यार, आज बहुत ज्यादा धूप है. मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं इंडिया आ गई हूँ. इतनी गर्मी यार, इतनी गर्मी, इतनी धूप यार, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है. एंड मैं ब्रुकलिन ब्रिज पे ऑलरेडी चढ़ चुकी हूँ गाइज. इस ब्रिज से आपको न्यूयॉर्क का एक बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है. इस ब्रुकलिन ब्रिज पे काफी सारे मूवीज की शूटिंग होती है ड्यू टू दिस ऑसम व्यू. नॉट ओनली हॉलीवुड बट बॉलीवुड की भी काफी सारी मूवीज में आपको ब्रुकलिन ब्रिज जरूर दिखा होगा. जैसे कि कुछ फेमस मूवीज लाइक लिमिटलेस या फिर ट्रांसफॉर्मर्स एंड तारा रंपम, ऐसे काफ़ी सारे मूवीज में ब्रुकलिन ब्रिज पे शूटिंग हुआ है. एंड गाइज, ये जो ब्रिज है ना, दिस इज द लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज इन द होल वर्ल्ड. ब्रिज के इस साइड पे आपको मैनहट्टन का एक बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है. यहाँ पे ब्रुकलिन ब्रिज के रिलेटेड काफ़ी सारे फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशंस दिए हुए हैं लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड. सो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो.
जस्ट टेक अ लुक एट दिस व्यू गाइज, आई जस्ट लव इट. यहाँ का जो नज़ारा है ना वो इतना ज्यादा सुंदर है कि मेरा तो मन ही नहीं भर रहा है देख के, जी कर रहा है बस देखती ही रहूं. एंड इस साइड पे ना मैनहट्टन को बैकग्राउंड में रख के बहुत ही अच्छी सेल्फीज क्लिक किए जा सकते हैं. इतने देर घूमने के बाद बहुत ही जोर की भूख तो लगनी ही थी, तो हम दोनों ने अपना लंच न्यूयॉर्क में ही कर लिया. एंड क्योंकि अभी कोविड की वजह से डाइन इन अलाउड नहीं है, इसलिए बाहर बैठ के ही हमको लंच करना पड़ा. खत्म होता है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक दे दो एंड नीचे वो जो लाल सब्सक्राइब बटन है ना उसको प्रेस कर दो एंड उसके बाजू में जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर देना. एंड आपको ब्रुकलिन ब्रिज कैसा लगा वो कमेंट करके नीचे जरूर बताना. तो मिलूंगी मैं आपसे अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय.